बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन ट्रायंगल का एमसीक्यू क्या कह रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों इस तरीके से, इसको नेम दे देंगे हम क्या एबीसी, और कह रहा है कि ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द एक्यूट एंगल मीडियन जो दिए गए हैं, व्हेन इट्स मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस, तो ए से अगर मीडियन खींचेंगे तो इस तरीके से ए से मीडियन जो आएगा इसको हमने ए डी नाम दे दिया, तो हमको ए डी की वैल्यू क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है सी से इस तरीके से कोई मीडियन आएगा उसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसको हम ई मान लेंगे सी ई, तो सी ई क्या दिया गया है आपको 2√10 दिया गया है। तो कह रहा बताइए क्या होगी जो है हाइपोटेन्यूज की लेंथ, हम हाइपोटेन्यूज क्या मान लेंगे यहाँ पे ए बी को लेट कर लेंगे ए स्मॉल ए, और बी सी को लेट कर लेंगे स्मॉल बी, और ए सी को लेट कर लेंगे स्मॉल सी, हमको ए सी निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर यहाँ पे ए ई को देखें तो ए ई कितना हो जाएगा, क्योंकि ए ई जो है वो ए बी का हाफ है, ए ई इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए बाई टू, क्योंकि ए बी को ए माना है। इसी तरीके से अगर हम बी डी निकालें और सी डी निकालें तो ये हमारा बी बाई टू हो जाएगा। तो बच्चों क्या करना, सबसे पहले हमें ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी, तो ए बी डी में आप लगाएंगे पी जी टी क्योंकि बी 90 दिया गया है, तो ए डी का स्क्वायर, तो ए डी क्या दिया गया 5, तो बच्चों सीधे लिख रहे हैं 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी दिया गया ए स्क्वायर, फिर क्या लिखा बी डी, बी डी दिया गया बी बाई टू, तो बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इक्वेशन हमारी क्या हो गई फर्स्ट। अब हम ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी ले लेंगे, सॉरी बी सी ई, तो बी सी ई में लगाएंगे पी जी टी, तो ई सी का स्क्वायर जो कि दिया गया 2√10 यानी 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर यानी कि ए बाई टू का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और बी सी हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 160 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर, इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। अब बच्चों क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन क्या दी गई है 4 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है ए स्क्वायर प्लस का 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 160। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा 5 ए स्क्वायर प्लस का 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 260। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 52। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे, और फिर क्या करेंगे एक बार इनको माइनस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और ए स्क्वायर प्लस का 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 160। जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या होगा 3 ए स्क्वायर माइनस का 3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू -60। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया -20, ये इक्वेशन हमारी 4th हो जाएगी। अब हम 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे, 3rd और 4th को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया हमको 52, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है -20, तो बच्चों इसको हम ऐड कर देंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 32, ए की वैल्यू बच्चों 4 आ जाएगी क्योंकि ए स्क्वायर 16 होगा। ए आ गया तो आप बी निकाल लीजिए, कहाँ पे आप किसी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए 4 पर रखेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 16 माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -20, तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 36, तो बी आ गया 6। अब ए अगर 4 है बी हमारा 6 है तो हम लगा देंगे पी जी टी, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस का 36, तो क्या हो जाएगा हमारा 52 जाएगा सी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू √52 आएगी, और √52 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो √52 अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√13, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दो ट्रायंगल दिए गए हैं तो हम मान लेंगे कि ए1 दिया गया है
बच्चों आपको A1 दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 दिया गया है आपको 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ लार्जर ट्रेंगल, यानी कि अगर हम इसको मान लें कि एल्टीट्यूड जो है, तो ये हमारा जो पहला ट्रेंगल है उसका जो एल्टीट्यूड उसको मान ले रहे हैं H1, तो H1 दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा बताइए करेस्पॉन्डिंग क्या होगा एल्टीट्यूड दूसरे ट्रेंगल का, तो H2 निकालना है बच्चों हमको। हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों दिया गया है 100 अपॉन 49, H1 की वैल्यू बच्चों क्या दी गई है 5, तो 5 का स्क्वायर, और H2 का स्क्वायर हमको निकालना है, H2 को हमको क्या करना है फाइंड करना है। इधर बच्चों क्या हो जाएगा 100 अपॉन का क्या हो जाएगा 49, यहाँ से बच्चों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा अपॉन क्या होगा H2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन 49, 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो H2 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा हमारा 49 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको 7/2 का लिख सकते हैं होल स्क्वायर। तो H2 की वैल्यू हो गई 7/2 यानी 3.5, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं और इसमें कह रहा है कि BC दिया गया 3, EF दिया गया 4 और एरिया दिया गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो दिया गया है 54, और एरिया कह रहा है कि एरिया बताइए DEF का क्या होगा। तो बच्चों यहाँ भी आपको क्या करना है, आपको फार्मूला पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम AB को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा AB अपॉन DE का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरिटी आपको ध्यान होगी, अगर हम BC लिखेंगे तो EF का क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, और अगर हम AC लिखेंगे तो बच्चों DF का क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो वैल्यू पता है वो आप पुट कर दीजिए, आपको BC दिया गया, EF दिया गया, यानी ये वाली वैल्यू हमको पता है, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/16 हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको एरिया पूछ रहा है, तो ABC का एरिया आपको दिया गया 54, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ABC का 54 एरिया रख लीजिए, और एरिया हमको निकालना किसका है DEF का, तो 54 अपॉन क्या होगा एरिया DEF का, तो यहाँ से 9 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू 16, 6 जा कितना होता है 96, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों, यहाँ भी क्या आपको दिया गया, देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो कह रहा बताइए एरिया में रेशियो क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, कह रहा बताइए इसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाते हैं सिमिलरिटी, तो यहाँ पे अगर हम सिमिलरिटी लगाएंगे तो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी सेम बताया। दूसरा क्या होगा BC अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों EF का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा DF का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहाँ क्या दिया गया है EF इज इक्वल टू क्या दिया गया बच्चों EF इज इक्वल टू 1/3 क्या दिया गया है EF इज इक्वल टू 1/3 BC दिया गया है EF इज इक्वल टू, तो यहाँ से बच्चों BC अपॉन EF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 3/1 का होल स्क्वायर, तो 9/1 यानी एरिया का रेशियो 9:1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कह रहा इन एन इक्वल ट्रायंगल ABC AD अगर BC पे परपेंडिकुलर है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल लेना इक्विलेटरल, एक ट्रायंगल ले लिया हमने इस तरीके से इक्विलेटरल, और ये हमारा ट्रायंगल क्या हमने इसको लेट कर लिया कि ये ABC ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल है, और कह रहा है कि AD एक BC पे परपेंडिकुलर है, इस तरीके से हमने एक AD खींच लिया जो BC पे परपेंडिकुलर है, हमको पता है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं तो AA होंगी। और बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करना है, अगर हम 2A ले लें साइड तो और क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ये 2A हो जाएगी, और यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है ये BC को डिवाइड करेगा इक्वली, तो इसका मतलब BDA हो जाएगा और CD भी A हो जाएगा, और हमको पता है कि जो एल्टीट्यूड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू साइड, यानी क्या हो जाएगा 2A, तो
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रूट थ्री ए आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यू जिसमें सेटिस्फाई कर जाएंगी ऑप्शन में, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो लिखा हुआ है फोर ए बी स्क्वायर, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, फोर इंटू ए बी की वैल्यू क्या दी गई है, टू ए स्क्वायर, तो टू ए का आप लोग होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री ए डी की वैल्यू क्या दी गई, रूट थ्री ए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा सिक्सटीन ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे नाइन ए स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया, टू ए बी क्या दिया, टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री ए डी क्या दिया, रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा एट ए स्क्वायर इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाइव ए बी दिया गया, तो फाइव इंटू ए बी क्या दिखा है, टू ए का होल स्क्वायर, और फोर ए डी क्या लिखा है, रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर फाइव ट्वेंटी ए स्क्वायर और इज इक्वल टू थ्री फोर जा ट्वेल्व ए स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन चेक कर लेते हैं, तो थ्री टू ए का होल स्क्वायर और फोर क्या होगा, रूट थ्री ए का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा फोर तीजा ट्वेल्व ए स्क्वायर और इज इक्वल टू ट्वेल्व ए स्क्वायर, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा बताइए कौन सा स्टेटमेंट, अब इसमें ये दिया नहीं गया कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप लोग पढ़िए इसको, ऑल सिमिलर पॉलीगॉन आर कंग्रुएंट, सारे सिमिलर पॉलीगॉन कंग्रुएंट होते हैं, भैया बिल्कुल गलत है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना कि सारे कंग्रुएंट सिमिलर होते हैं, यानी आप ध्यान रखिए कि ऑल कंग्रुएंट शेप जो होते हैं या पॉलीगॉन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट ऑल सिमिलर जो होते हैं वो सारे कंग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, ये सही है भैया, आपका सेकंड ऑप्शन सही है। टू फिगर आर कंग्रुएंट बट नॉट सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज, तो बिल्कुल भैया ये भी सही है, दो फिगर कंग्रुएंट हैं बट नॉट सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज, अगर सेम शेप है सेम साइज है तो भैया ये गलत हो जाएगा, ये कंग्रुएंट हैं तो अगर सेम शेप और सेम साइज है तो वो सिमिलर होंगे भैया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका, ये गलत है स्टेटमेंट। ऑल सिमिलर ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, ऑल सिमिलर ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, भैया ये भी गलत है, सारे कंग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं पर सारे सिमिलर ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन केवल कौन सा है, सेकंड सही है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा भैया इसको आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी अच्छी डिफिनीशन है, सारे सिमिलर ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं होते हैं पर सारे कंग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पे भी हमको क्या कलेक्ट कर लेना है कि ए वन दिया गया है वो 121 दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ए टू दिया गया वो आपको 64 दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और कह रहा अगर मीडियन, पहले का मीडियन जो दिया गया एम वन वो 12.1 सेंटीमीटर है तो एम टू क्या होगा, तो बच्चों यहाँ भी हमने क्या बताया था कि ए वन अपॉन ए टू का जो रेशियो होता है वो एम वन अपॉन एम टू के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 121 दिया गया एरिया और ये 64 दिया गया, एम वन दिया गया 12.1 इंटू 12.1 और हमें क्या करना है एम टू का स्क्वायर निकाल लेना है, तो बच्चों यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे दोनों तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, एक 121 से क्या होगा ये हमारा कैंसिल हो गया, 121 ये हमारा पूरा क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, तो एम टू का स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे तो 64 इंटू 121 अपॉन क्या होगा 100, तो M2 की वैल्यू क्या होगी 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और 121 का 11 अपॉन क्या होगा 100, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी ये 100 का हो जाएगा 10 सॉरी, तो ये आ गया 88.10, तो ये आ गया 8.8, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दो सिमिलर ट्रायंगल दिए गए हैं तो ए बी और पी क्यू दिया गया है और जो पेरीमीटर है पी क्यू आर का 25 है तो ए बी सी का क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के क्या होता है इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बच्चों थ्योरम है आपकी बुक में दी गई होगी। तो यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा दिया गया है, ट्रायंगल हमको दिया गया ए बी सी, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा
पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या होगा पी क्यू, और ए बी आपको कितना दिया गया है, ए बी दिया गया 9.1 और पी क्यू दिया गया 6.5, और पी क्यू आर का जो पेरीमीटर है वो 25 दिया गया है, तो पेरीमीटर हम ए बी सी का निकाल लेंगे आसानी से। बच्चों यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अगर निकालेंगे तो 25 मल्टीप्लाई हो गया अपॉन क्या हो गया 65, 13 से 5 टाइम्स ये 7 टाइम्स और 5 से ये 5 टाइम्स, तो इसका आ गया 35 पेरीमीटर, यानी ऑप्शन क्या होगा हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का पेरीमीटर करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ये थ्योरम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पार्ट बच्चों कह रहा है कि दो ट्रायंगल है सिमिलर, उनका पी क्यू क्यू आर दिया गया, आर पी दिया गया, बी सी दिया गया, तो कह रहा है ए बी सी का पेरीमीटर क्या होगा, तो बड़ा आसान है। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल जो पी क्यू आर दिया गया है, अगर आप इसका ट्रायंगल पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्या होगा आर पी, और आपको पी क्यू दिया गया 3 और क्यू आर दिया गया 2, आर पी दिया गया 2.5, तो ये हो गया हमारा 7.5। अब कह रहा बताइए ए बी सी का क्या हो जाएगा, तो हमको ए बी सी का अगर निकालना है तो इसमें और कुछ तो दिया नहीं गया, पी क्यू क्यू आर और बी सी दिया गया 4। तो बच्चों यहाँ क्या करें, लगाएंगे फार्मूला, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अगर हमको बी सी दिया गया है तो बी सी के लिए हम साइड कौन सी ले लेंगे, बी सी अगर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे साइड क्या हो जाएगी क्यू आर हो जाएगी, और ए बी सी का आपको निकालना है पेरीमीटर, और पी क्यू आर का हमने निकाल लिया कितना 7.5, और बी सी कितना दिया गया 4, और क्यू आर कितना दिया गया 2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी का हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है एंड ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको बहुत सावधानी से इसको समझना है कि ए बी सी जो है आपको दिया क्या गया है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है, ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, लेकिन जो ट्रायंगल ए बी सी है वो नॉट सिमिलर है किसके, नॉट सिमिलर इसका मतलब कि हमारा सिमिलर नहीं है किसके, ट्रायंगल डी ई सॉरी यहाँ पे ई डी एफ होगा, डी ई एफ की जगह पे हमको यहाँ पे ई डी एफ लिखना है, ई डी एफ होगा, यानी हमको दिया क्या गया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ई डी एफ के और नहीं सिमिलर किसके, डी ई एफ के। तो कह रहा बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो जरा पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पे बी सी और डी ई का दिया गया है डॉट, तो हमें क्या करना है कि बी सी के अपॉन में आना चाहिए सिमिलरिटी, तो अगर बी सी के नीचे हम ई एफ को ले आए, यानी कि हम ई एफ को क्या करें ट्रांसफर कर दें, तो ए बी के नीचे क्या आ जाएगा डी ई आ जाएगा। अब जरा इसको चेक करते हैं, अगर ए बी सी ई डी एफ के सिमिलर है तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, जरा इसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या बन जाएगी ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ और इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, ये बनेगी। और यहाँ पे क्या आ रहा है बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई सही है, पर बी सी अपॉन ई एफ लिखा है तो ये हमारा गलत है। और दूसरा क्या बनना है कि बी सी अपॉन यहाँ पे क्या लिख लेंगे एफ डी, अच्छा ए सी नहीं ला सकते हैं क्योंकि ए बी सी के नीचे डी ई एफ की साइड लिखनी है, तो बी सी अपॉन एफ डी और इक्वल टू ए सी अपॉन क्या होगा ई एफ। जरा इसको चेक करते हैं, बी सी अपॉन एफ डी और ए सी अपॉन ई एफ, ये तो सही लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे बी सी अपॉन एफ डी और इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, इसको चेक कीजिए, तो बी सी अपॉन एफ डी और ए बी अपॉन डी ई, ये भी सही लिखा हुआ है। लास्ट वाला चेक करते हैं, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन डी ई ए सी अपॉन ये भी सही लिखा है। तो कह रहा कौन सा गलत है, तो सिर्फ बच्चों ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, तो आप लोग को ये राइट आंसर हो जाएगा ए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि दो ट्रायंगल है जो सिमिलर दिए गए हैं और कह रहा है इनका दिया गया पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर पी क्यू आर का दिया गया है, कितना दिया गया पी क्यू आर का पेरीमीटर
30, और पेरीमीटर दिया गया है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का कितना दिया गया 18 सेंटीमीटर। तो कह रहा बताइए अगर QR, QR की वैल्यू कितनी दी गई हो 9, तो YZ की वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या लिखना है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, अब PQR हमारा सिमिलर है XYZ के, तो क्या होगा PQ अपॉन XY का रेशियो, QR अपॉन YZ का रेशियो, और क्या हो जाएगा PR अपॉन XZ का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों P1 दिया गया 30 और P2 क्या दिया 18, और आपको QR दिया गया कितना, ये वाला यूज करेंगे तो QR दिया गया 9 और YZ हमको निकालना है। तो बच्चों ये क्या होगा 3 से कैंसिल होगा, 3 टाइम्स ये हो गया 10 टाइम्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा यानी कि 18 थ्री जा YZ इक्वल टू 18 थ्री जा 54 अपॉन 10, तो आ जाएगा 5.4, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ट्रायंगल के, सारे आप लोग क्वेश्चन करते जाइए अपने मन से और आंसर मैच करते जाइए। अब कह रहा है यहाँ पे बच्चों एक ट्रायंगल में पी क्यू और बी सी के पैरेलल हैं, यानी हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, और एक हमारा पी है और ये क्यू है। अब ये हमारा पी क्यू जो है ये बी सी के पैरेलल है, और ए पी और पी बी 4 दिया गया है, यानी ए पी और पी बी का रेशियो हमको क्या दिया गया 4:1। तो कह रहा है बताइए ए क्यू अपॉन ए सी क्या होगा, ए क्यू अपॉन ए सी। बच्चों हमने इक्वल क्यों लिखा है, क्योंकि ये थ्योरम बन रही है, कौन सी थ्योरम बन रही है, बी पी टी जो हमने कराया है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे कि आप लिख सकते हैं कि ए क्यू और ए सी का रेशियो भी 4:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर ए बी सी, यानी हमें ट्रायंगल क्या दिया गया है ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है डी ई एफ के, तो कह रहा बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिमिलरिटी लिखेंगे। तो सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे, अगर सिमिलरिटी लिखना आ गया कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो यहाँ पे ए बी और डी ई क्या होंगे, इनका रेशियो हो जाएगा, और बी सी और क्या होगा ई एफ हो जाएगा, और ए सी और क्या होगा डी एफ हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कहाँ पे ये लग रहा है। पहला देखिए, अगर बी सी के नीचे हम एफ डी ले आए और ए बी के नीचे क्या हो जाएगा डी ई हो जाएगा। देखिए सही है हमारा, बी सी अपॉन हमारा ई एफ दिया गया है, यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ है और ए बी अपॉन डी ई है, तो ये तो सही है, पर ये गलत हो गया, हमसे पूछ रहा कौन सा सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, बी सी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ, तो बी सी अपॉन एफ डी तो है ही नहीं, ई एफ है, तो ये फिर गलत हो गया। अब बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, तो ये चेक कर लेते हैं, बी सी अपॉन ई एफ तो सही है, ए बी अपॉन डी ई तो ये सही हो गया। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, तो ए बी अपॉन डी ई और इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या होगा ई एफ, तो ए बी अपॉन डी ई सही है, ए सी अपॉन ई एफ तो बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ए बी अपॉन डी ई, यानी कि ए बी और डी ई का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है बी सी अपॉन ई एफ के या एफ ई के, और ये दिया गया है सी ए अपॉन एफ डी के। अब बताओ बच्चों यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया गया है, अब आपसे पूछ रहा बताइए ट्रायंगल कौन से सिमिलर होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ए बी और सी, तो ये हमें मिल गया ए बी सी, और यहाँ पे क्या होगा डी ई और एफ, बच्चों देखो यहाँ पे बी और बी सेम है, यहाँ ई और ई सेम है, तो ये बन जाएगा डी ई एफ। तो ए बी सी और डी ई एफ जहाँ मिल रहा है वही लगा दीजिए, तो ए बी सी कहाँ मिल रहा है लास्ट में, और ए बी सी, लेकिन बच्चों देखो ए बी सी भी हो सकता है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बी सी ए भी तो हो सकता है किसके, ई एफ डी के, तो आप कोई भी आपको मिल जाए देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया एफ डी ई, एफ डी ई, एफ डी ई और सी ए बी, इसको जरा लिख लेते हैं, अगर सी ए बी देखेंगे तो सी ए बी हो जाएगा और एफ डी ई हो जाएगा, एफ डी ई हो जाएगा, तो सी ए बी और एफ डी ई पहला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अब जरा चेक करते हैं बी सी ए एफ डी ई गलत हो जाएगा, सी बी ए और एफ डी ई ये भी गलत हो गया, और एफ डी ई
और ए बी सी, एफ डी ई और ए बी सी, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ पहला ऑप्शन है। अगर आपको समझ में ये नहीं आया है तो इसको आप फिर से एक बार चेक कर लें। हम सबसे पहले देखो इसको बनाएंगे इधर से और इधर से, फिर हम यहां से बनाएंगे बी सी ए और ई एफ डी, फिर हम इसके बाद में क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे यहां से रिवर्स पूरा इस तरीके से, तीन बार बनाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल निकल आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी में ए बी दिया गया है आपको 6√3 और आपको ए सी दिया गया है 12 और बी सी दिया गया है 6, तो एंगल बताइए बी क्या होगा। अब आपको बी चेक करना है, तो यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि आप इनको लेट कर लीजिए, ए बी और सी लेट कर लीजिए। अब इनका कीजिए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकल के क्या आ जाएगा 36, त्रिज्या कितना होता है, तो 36 त्रिज्या अगर हम करेंगे 36 × 3 तो 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 1 क्या होगा 10, तो 108 आ गया। अगर हम बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, और अगर हम सी स्क्वायर निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया पीजीटी लग गया। अब पीजीटी अगर हमारा लग गया तो बी स्क्वायर, बी हमारा क्या हो गया हाइपो हो गया, और बी क्या मतलब क्या है ए सी, और ए सी अगर हाइपो है तो बी क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी और बी डी ई दो ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं, यानी एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी है इस तरीके से और एक ट्रायंगल है बी डी ई, ए बी सी और बी डी ई ये दो इक्वल ट्रायंगल हैं, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इन रेशियो, डी जो है वो मिड पॉइंट है किसका बी सी का, तो डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, यानी कि एक यहाँ पे डी पॉइंट ले लें तो क्या होगा ए बी सी और बी और डी और क्या जाएगा ई, ए बी सी और बी डी ई आर टू इक्वल ट्रायंगल सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज, ए बी सी और बी डी ई का रेशियो पूछ रहा है एरिया का क्या होगा। तो अगर हम ए बी सी और बी डी ई का एरिया निकालना चाहें तो सबसे पहली बात तो ये हमें सिमिलर तो दिए नहीं गए कि ए बी सी और बी डी ई, हाँ ट्रायंगल इक्विलेटरल तो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी और क्या होगा बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से बी सी और डी ई का स्क्वायर, और इस तरीके से क्या हो जाएगा ए सी और बी ई का स्क्वायर, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अब हमको दिया क्या गया है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो अगर हम बी सी को ले लें तो डी ई जो होगा बी सी और डी ई, तो यहाँ पे ए बी सी और बी डी ई का रेशियो पूछ रहा है एरिया का, तो ए बी सी बी सी और डी ई ले लें, डी मिड पॉइंट है बी सी का, तो डी ई दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो इनका रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको डी दिया गया है बी सी का मिड पॉइंट है। एक बार जरा फिगर फिर से चेक कर लेते हैं, या तो क्वेश्चन कुछ मिस्टेक दे दी गई है या भी कोई गलती हो रही है, तो ए बी सी है ये और डी क्या दिया गया है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी मिड पॉइंट है, तो ए बी सी और बी डी ई, तो बी डी ई, तो बी डी ई हमारा ट्रायंगल बनेगा यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा बी डी ई, बी डी ई बन जाएगा, ये भी ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल है, तो ये हमारा क्या होगा ए बी सी का एरिया, ये तो 1/4 हो जाएगा, तो ए बी सी और बी डी ई का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1:ABC यानी 4:1, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बच्चों इसमें चार ट्रायंगल बन जाएंगे ये हमारे 1, 2, 3, 4, तो ये सारे इक्वल एरिया के होंगे, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो क्योंकि बी डी हमारा इक्वल है और ये बी डी ई ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इसके सारे साइड इक्वल हो जाएंगी, तो ये हमारी थ्योरम बन जाएगी 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एल एम एन और पी क्यू आर दो ट्रायंगल दिए गए हैं, तो एल एम एन है इसमें एंगल जो एल है ये एंगल पी के इक्वल है और एंगल एन जो है वो एंगल आर के इक्वल है,
और एम एन जो है वो हमारा टू क्यू आर है। तो यहाँ से अगर हम एम एन अपॉन क्या करें क्यू आर करें तो टू के इक्वल हो जाएगा टू अपॉन वन। तो कह रहा बताइए कि ये कंग्रुएंट होंगे, कंग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट, नाइदर कंग्रुएंट नॉट सिमिलर, कंग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल दिए गए हैं तो वो हमारा क्या होगा तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, लेकिन कंग्रुएंट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे साइड डबल है, तो हमारा सिमिलर होगा बट नॉट कंग्रुएंट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, एक आरपीक्यू है। तो आपको एबीसी में क्या दिया गया, एबी दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, बीसी दिया गया 5 सेंटीमीटर और सीए दिया गया आपको 6√2 सेंटीमीटर और पीआर आपको दिया गया है 12√2 सेंटीमीटर, पीक्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर और क्यूआर दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है अगर ए हमारा 75 है और बी हमारा 55 है तो पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू क्या होगी। तो ए बी दिया गया तो आप पहले सी निकाल लीजिए 130 तो 50 हो जाएगा। अब ए बी सी आ गए, अब यहाँ पर जरा देखिए ये 4.5 है और हमको रेशियो चेक करना है। तो अगर हम ए बी को देखो ध्यान से और क्यू आर को डिवाइड कर दें तो 1:2 आएगा, अगर हम बी सी को और पी क्यू को डिवाइड कर दें 1:2 आएगा और अगर हम सी ए को और पी आर को डिवाइड कर दें तो 1:2 आएगा। हमसे पूछ रहा है पी, तो यानी कि क्या हो जाएगा क्यू आर के सामने वाला एंगल पी होगा और ए बी के सामने वाला एंगल सी होगा और सी दिया गया 50 तो पी हो गया 50, ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सर्किल आर ऑलवेज थ्योरम है, हमेशा सिमिलर होते हैं, दो सर्किल जो होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे सिमिलर। बट अब इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है नाइदर सिमिलर नॉर कंग्रुएंट, गलत हो जाएगा भैया, कंग्रुएंट बिल्कुल नहीं होगा। अब कह रहा सिमिलर बट मे नॉट बी कंग्रुएंट, ये सही है भाई साहब, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग करते जाइए और कमेंट जरूर करिए कि नहीं क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं। दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, सिमिलर दिया गया है। तो यहाँ पे ए दिया गया 30 और एंगल सी दिया गया 50 और एंगल ए बी क्या दिया गया है बच्चों, ए बी दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ए सी क्या दिया गया 8 सेंटीमीटर और डी एफ दिया गया हमको 7.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बताइए कौन सा ट्रू होगा। तो ए दिया गया सी दिया गया तो बी हमारा आ गया 100, हमने माइनस कर दिया ऐड करके ए और सी को 180 से, ए बी दिया गया है और ए सी दिया गया है तो ए बी और ए सी दिए गए 5 और 8 और डी एफ दिया गया 7.5। तो यहां से कह रहा है कि डी ई हमारा 12 होगा और एफ हमारा 50 होगा। तो अगर ए बी सी और देखिए ध्यान से आप इसी को लेके चलिए, ए बी सी सिमिलर दिया गया है ट्रायंगल डी एफ ई के, यानी कि ए जो होगा वो डी के बराबर होगा, बी जो होगा वो एफ के बराबर होगा और सी जो होगा वो ई के बराबर होगा। और यानी ए कितना आया हमारा 30, तो डी भी कितना होगा 30, बी कितना आया 100 तो एफ भी क्या होगा 100 और सी कितना आया 50 तो ई भी क्या होगा 50। अब कह रहा है कि एफ 50 होगा, तो भाई साहब पहले तो ये गलत हो गए क्योंकि एफ तो हमारा आ रहा है कितना 100 आ रहा है, एफ 100 होगा भाई साहब ये क्लियर है। अब डी ई क्या होगा इसको बाद में चेक करेंगे, पहले हम बाकी देख लेते हैं। डी 100 बिल्कुल गलत और डी 30 बिल्कुल गलत, तो आपको डी ई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आ स्क्वायर एंड अ रोम्बस ऑलवेज, तो स्क्वायर और रोम्बस कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं क्योंकि शेप ही सेम नहीं है, कंग्रुएंट भी नहीं हो सकते, शेप सेम है ना साइज सेम होगा तो सिमिलर बट नॉट कंग्रुएंट ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा नाइदर सिमिलर नॉर कंग्रुएंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है डी ई पॉइंट जो है ये एक साइड ए बी और ए सी पे है। बच्चों आप समझ गए होंगे ये थेल्स थ्योरम का जो है क्वेश्चन लग रहा है, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है और डी और ई दो पॉइंट हैं जो ए बी और ए सी पे हैं। अब कह रहा है ए डी दिया गया 3, ये दिया गया 3, बी डी दिया गया 5, ये 5 दिया गया, बी सी दिया गया हमारा 12.8, यानी बी सी का मतलब पूरा 12.8 और कह रहा है डी ई दिया गया है पैरेलल बी सी के, तो डी ई क्या होगा, डी ई क्या होगा हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों इसको एक्सेलरेट कर लेते हैं
तो ईसी क्या आएगा 12.8 माइनस एक्स, आप लगा दीजिए थेल थ्योरम, क्या होती है AD अपॉन BD और इज इक्वल टू क्या होगा AE अपॉन CE, यहाँ होगा 3 अपॉन 5 और x अपॉन 12.8 माइनस एक्स, करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 62 क्या होगा 8 और 3 1 जा 3 और माइनस क्या होगा 3x इक्वल टू 5x, तो 8x इक्वल टू क्या हो गया 38.4, हम करेंगे कैंसिल 8 से, तो 8 4 जा 32 8 8 जा 64, x की वैल्यू आ गई 4.8 और ये किसके इक्वल हो जाएगा DE और BC के, तो DE की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमसे कह रहा है कि बताइए DE की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दिया क्या गया है x हमारा कितना आ गया 4.8, तो आपको मिल क्या गया AE मिल गया 4.8 और EC कितना हो जाएगा 12.8 से करेंगे 4.8 को माइनस, तो हमारा 8 आ जाएगा। अब हमको DE की वैल्यू पूछ रहा है कि सेंटीमीटर में क्या होगी और BC हमको दे रखा है 12.8, तो आप क्या करोगे चाहे इनको ले लो और चाहे इनको ले लो, तो अगर AE को लेंगे तो AE की वैल्यू क्या दी गई 4.8 अपॉन CE की वैल्यू कितनी आ गई है 8 इज इक्वल टू DE हमको निकालना है और हमारा BC दिया गया 12.8, तो ये 8 से कैंसिल होगा 1.6, तो DE इज इक्वल टू क्या होगा 1.6 इंटू 4.8, तो करेंगे मल्टीप्लाई 16 जा कितना होता है 128, 12 आएगा 16 4 जा 64 और ये हो गया 76, तो 7.68, तो 7.6 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग 7.6 ही इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 10 एंड 24। बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, इसमें आप एक रोम्बस दिया गया है, रोम्बस में डायगोनल आपको 10 और 24 दिए गए हैं। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा हाफ होता है तो 5 5 हो गया और ये 12 12 हो गया और ये हमारा 90 पे कट करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अगर ये 90 पे कट करेगा तो इसको x मान लेंगे, तो x स्क्वायर इक्वल टू लगा देंगे PGT, तो 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर तो जाएगा 144 प्लस 25 और ये हो गया 169, तो ये हमारा 13 आ गया x स्क्वायर, अगर 169 होगा तो हमारा x क्या होगा 13, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो जो रेशियो होता है एरिया ऑफ टू सिमिलर, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड गलत हो जाएगा, रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड गलत हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड सही है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ ये भाई साहब ये भी भाई साहब सही है, तो इसमें कह रहा है कि दो जो है आंसर सही आ रहे हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का तो बिल्कुल नहीं होगा, एल्टीट्यूड का भी नहीं होगा, स्क्वायर होता है करेस्पॉन्डिंग साइड का, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड और रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर पेरीमीटर इसका भी होगा, यानी ऑप्शन इसके दो सही हैं सी और डी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो क्या होता है इक्वल होता है किसके करेस्पॉन्डिंग साइड के। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज इक्वल टू थर्ड लाइन, गलत हो जाएगा क्योंकि ये थेल्स थ्योरम है उसका कन्वर्स, द लाइन इज परपेंडिकुलर गलत हो जाएगा, द लाइन इज पैरेलल बिल्कुल सही है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल ऑफ हाइट 80 सेंटीमीटर, एक लड़की है जिसकी हाइट दी गई है 80 सेंटीमीटर और कह रहा है कि ये एक लैम्प पोस्ट की तरफ भाग रही है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, इस तरीके से हो जाएगा, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड और कह रहा है कि जो लैम्प है वो 4 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो आफ्टर 5 सेकंड, तो बच्चों इसका फिगर थोड़ा सा आपको अलग बनाना होगा, ये हमारा इस तरीके से रखा हुआ है लैम्प, तो ये लैंप हमारा क्या दिया गया है 4 मीटर दिया गया है और लड़की की हाइट क्या 80 सेंटीमीटर, पूरा फिगर आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा ये बनाना होगा लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट जिसकी हाइट क्या दी गई 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर और ये आपको यहाँ पे लड़की की हाइट ड्रा करनी होगी जो दी गई 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है
कि 5 सेकंड इसकी रफ्तार क्या, ये इधर क्या कर रही है, रन कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो कह रहा बताइए लेंथ ऑफ शैडो क्या होगी आफ्टर 5 सेकंड। तो इसकी शैडो क्या होगी, इस तरीके से बन रही होगी, इस तरीके से इसकी शैडो बनेगी यहाँ पे, इस तरीके से कहीं पे। पहले निकालेंगे कि अगर 5 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, टाइम दिया गया 5 सेकंड। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दी गई 2 और ये टाइम क्या दिया 5, तो डिस्टेंस हो गई 10 मीटर। तो यानी कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई 10 मीटर हो जाएगी। अ गर्ल ऑफ हाइट 80 सेंटीमीटर इज रनिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट। अच्छा, अवे दूर जा रही है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गई 10 मीटर। तो कह रहा बताइए इसकी शैडो क्या होगी, तो हम शैडो इसकी लेट कर लेंगे एक्स। तो इसका फार्मूला यहाँ लगा देंगे सिमिलरिटी, तो हो जाएगा 400 अपॉन ये पूरी साइड क्या होगी 10 + x हो जाएगी इज इक्वल टू 80 अपॉन क्या होगा x हो जाएगा। तो 400x इक्वल टू क्या होगा 800 + 80x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये आएगा हमारा 320x इज इक्वल टू 800। तो x इक्वल टू जाएगा 80 अपॉन 32, 4 से 8 और क्या होगा, या 8 से 4 कर दीजिए और 8 से क्या होगा 10, तो 2.5 आ जाएगा ऑप्शन, यानी हमारा क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर ट्रेंगल हैं और डी ई एफ 100 दिया गया है और ए बी और डी ई 1/2 दिया गया है, तो ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो बच्चों सीधे ए बी सी को मानते हैं A1 और डी ई एफ को मानते हैं A2 और दिया क्या गया 100 और A2 क्या करना है, सॉरी A2 दिया गया है A1 निकालना है, A2 क्या दिया गया 100 और ए बी सी में ए बी अपॉन क्या होगा डी ई का होल स्क्वायर हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग साइड है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये ए बी दिया गया है, ये डी ई दिया गया है और इसका रेशियो क्या दिया गया 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर A1 upon 100। तो A1 upon 100 इक्वल टू 1/4, तो A1 आ गया 25। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल, यानी कि A1 दिया गया है 144 और A2 दिया गया 81। तो कह रहा है इफ वन मीडियन ऑफ द फर्स्ट, ये मीडियन दिया गया M1 क्या दिया गया है 16 और M2 क्या दिया गया है पूछ रहा है, इनको डिवाइड कर दीजिए आप सीधे सीधे, तो 144 इनका स्क्वायर होता है। फार्मूला क्या पता है हमको कि A1 upon A2 इज इक्वल टू M1 upon M2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये दिया गया 144 upon 81 इज इक्वल टू 16 upon क्या होगा M2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 upon 81 इज इक्वल टू 256 upon क्या होगा M2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर M2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 256 upon 81 upon क्या हो जाएगा 144। तो 12 से ये कितने बार, इसको आप 6 से कैंसिल, पहले 3 से कीजिए, तो 3 4 12 हो जाएगा और 3 8 जा और 3 से कितने में आएगा 2 और 7, फिर 3 से क्या होगा 16 और 3 से क्या होगा 9 हो जाएगा और ये हमारा 16 से 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 4 into M2 क्या हो जाएगा 4 into 3, यानी हमारा 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ MCQs फिनिश हो गए हैं, इसका एक सेशन और होगा MCQs का ट्रेंगल का, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और जो है तैयारी करते रहिए। थैंक यू।